अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई। तो फ्रेंड्स, आजकल बाज़ार में हरी मटर और मेथी बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो इससे एक रेसिपी बनाना तो ज़रूर चाहिए। इसीलिए आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई। ये बहुत ही डिलीशियस होती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है और मैंने इसमें अदरक के पीसेस डाल दिए कट करके। 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था अदरक का, और ये 2 प्याज को मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में काट लिया था, वो भी मैंने तेल में डाल दिया है। तो हमें इसे बारीक चॉप नहीं करना है, प्याज को बड़े बड़े स्लाइसेस काटने हैं, और इसे हम प्याज का कलर चेंज होने तक और सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे। ये मैंने 10 से 12 काजू ले लिए हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। काजू आप ज़रूर डालिएगा, इसी से इसका टेस्ट आएगा। और 2 हरी मिर्च मैंने डाल दी है इसी में। अब हम इसे प्याज का कलर चेंज होने तक इसे कुक करेंगे। ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्का सा रेड हो गया है। अब मैं इसमें 2 टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दूँगी, और इसे भी हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद ही ये इसने अपना कलर चेंज कर लिया है और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस हमें इतना ही कुक करना है इसे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब उसी पैन में मैंने ये 1 कप भरकर मेथी ली है। मेथी को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया था। अब मैं इसमें मेथी को थोड़ा सा भून लूँगी। बहुत ही जल्द इसका पानी खुश्क हो जाएगा और ये बहुत कम हो जाएगी। ये देखिए, अब मैंने ये हरे मटर को अच्छे से बॉईल कर लिया था पहले। ये देखिए, एकदम गल गया है ये, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेथी के साथ। और मेथी और मटर के जितना हम इसमें नमक डाल देंगे, ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। बस हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब हम इसे भी साइड में कर देंगे। और मैंने गैस पर 1 कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने 1.5 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने इसमें। और अब मैं उसमें ये 2 चुटकी जितना हींग डाल दूंगी। हींग भी आप ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच मैं इसमें साबुत ज़ीरा डाल दूंगी, और ये 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, और 1/2 चम्मच जितना मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है, और 1/2 चम्मच जितना मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। तो कुछ ही स्टेप के साथ ये बन जाती है, और बहुत ही ईजी स्टेप है इसके। आप ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। अब ये देखिए, जो मैंने प्याज टमाटर और काजू का जो मैंने बनाया था, उसको मैंने पीस लिया, अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया है ठंडा होने के बाद। अब मैं इसे शामिल कर दूंगी इसी मसाले में। सारे मसालों को एक साथ मिलाकर हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें इस मसाले को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही इसे प्याज को अच्छे से लाल कर लिया था। अब इसमें हम मसाले के लिए 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसे चलाते रहना है हमें, इसमें काजू का पेस्ट है इसलिए ये तले से बहुत चिपकेगा। अब ये आप देख सकते हैं, तले को छोड़ रहा है ये मसाला, तो ये रेडी है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी थोड़ा सा, इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। अभी ये और थोड़ा सा थिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। ये परफेक्ट है। अभी हम इसके अंदर जो हमारी मेथी और मटर को हमने फ्राई कर लिया था, हम इसमें डाल देंगे उसको। बच्चे मेथी खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा रहता है, तो आप उन्हें इस तरह से मेथी मटर मलाई की रेसिपी ज़रूर बना कर दें, बहुत ही शौक से वो खाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी है। अब हमने मेथी मटर मलाई बनाई है, तो मेथी मटर तो हमने डाल दिया है, कुक हो गया है। अब हम इसमें ये मलाई डाल देंगे। आपके पास अगर घर की मलाई है तो आप डाल दीजिए, मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाल दी है। और ये कसूरी मेथी हम डाल देंगे अच्छे से इस पर,
कसूरी मेथी से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर डालिए। और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल दीजिए। हमारी मेथी मटर मलाई रेडी है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कितनी डिलीशियस लग रही है, और सच मानिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। आप इसे पराठे के साथ और ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इस पर ये फ्रेश क्रीम पोर कर देंगे गार्निश के लिए, और ये कुछ फ्राई किए हुए काजू है वो भी मैं इस पर रख दूंगी। अब रेस्टोरेंट जैसी मेथी मटर मलाई घर में ही बनाकर खाएं और सबको खिलाएं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, कोई गेस्ट है, तो इस मौके पर भी आप ये बनाकर खिलाएं, वो बहुत ही तारीफ़ करेंगे आपकी। कुछ ही स्टेप के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।